पहला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक कौन है? ये है श्री चंद्रशेखर खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? वो है आपका हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। देश के ऐसे पहले राज्य का नाम बताएं जहां सबसे अधिक महिला पुलिस थाने हैं, तो वो है आपका हरियाणा। इस समय जो हरियाणा में 34 महिला पुलिस थाने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने वाली पूनम चौहान जो है हरियाणा के किस जिले से है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो है आपकी पलवल जिले से बिलोंग करती हैं पूनम चौहान। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्म अवार्ड मिला है 2020 के लिए? वो है आपकी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जो शाहबाद से बिलोंग करती हैं, उन्हें जो है पद्म अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा 27 से 29 जनवरी 2020 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो है यमुनानगर के आदि बद्री में ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सरस्वती क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है? यह है जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 29 जनवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया है। किसका? सरस्वती क्राफ्ट मेले का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के युवक जो है ऑस्ट्रेलिया में पार्षद बने हैं? वो है जींद के जाजवान गांव के सुरेंद्र चहल जो ऑस्ट्रेलिया में पार्षद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक और शानदार उपलब्धि अपने नाम करते हुए कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? वो है आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो है आपका 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जा रही है? वो है आपका रिवाड़ी, जहां पर ये मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने श्रवण दिव्यांगों के किस वीडियो मॉड्यूल को लॉन्च किया है? यह है आपका जेजे व पोक्सो एक्ट के वीडियो मॉड्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास यानी अमेरिका के साथ अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौता किया है? वो है आपका जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2020 को हरियाणा उर्दू अकादमी पंचकुला के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने श्री अशोक नादिर द्वारा लिखित किस उर्दू पुस्तक का विमोचन किया है? वो है आपका गजल पुस्तक का विमोचन किया है। आपका हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिपा द्वारा प्रलेखित किन दो पुस्तकों का विमोचन किया है? वो है कॉम्बेटिंग कोविड-19 की पहली पुस्तक आपकी अर्ली एनसाइटस फ्रॉम हरियाणा और दूसरी आपकी सिनॉप्सिस ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने और इसके भवन के निर्माण के लिए 33.78 लाख रुपीस की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है? यह आपकी 12वां गांव के लिए स्वीकृति प्रदान की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपन्यासकार व नाटककार डॉक्टर अजय शर्मा ने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर ही 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला ऐसा साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है। किसने? डॉक्टर अजय शर्मा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में UHT टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है? वो है रोहतक में 19.55 करोड़ रुपए की लागत से यह प्लांट संस्थापित किया जा रहा है। उसके बाद आपके हम कुछ स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप एंड डिटेल ऑफ द फार्म विल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन, यानी सब कुछ ऑनलाइन दर्ज होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है सब कुछ ऑनलाइन और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए उसे डिजिटलाइजेशन विजन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसलों का ब्यौरा जो है ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इस यूनिक एफर्ट फॉर अवेलेबिलिटी एंड ट्रबल शूटिंग
ऑफ ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज इन वन प्लेस फॉर फार्मर्स, यानी किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण भी जो है किया जाएगा एंड फसल की बिजाई कटाई के समय और मंडी से संबंधित जितनी भी जानकारी है सब इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी प्रोवाइडिंग क्रॉप सोइंग टाइम एंड मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई विल बी प्रोवाइड ऑन टाइम एंड टाइमली सब्सिडी एंड फॉर फूड्स हो गया एंड सीड्स लॉन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन टाइम, यानी कृषि संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी और सब्सिडी का समय वगैरह आपको सारा डाटा इस पे मिलेगा टू प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, यानी प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान सही समय पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट सोलर लाइट सिस्टम टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी अंडर दिस स्कीम एन अमाउंट ऑफ ₹17,125 विल बी गिवन एज सब्सिडी फॉर दोज हु इंस्टॉल सोलर लाइट सिस्टम्स अंडर दिस स्कीम। सोलर लाइट सिस्टम्स विल बी इंस्टॉल इन द हाउसेस, यानी सोलर लाइट सिस्टम का मतलब क्या है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत जो है जो भी सोलर लाइट सिस्टम लगवाएगा उसे ₹17,125 की राशि जो है सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो है सोलर लाइट सिस्टम जो है घरों में लगाए जाएंगे। एंड सोलर लाइट सिस्टम की आवश्यक जानकारी और दे दूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन सकते हैं कि सोलर लाइट सिस्टम की आवश्यक जानकारी और देती हूं मैं आपको। द सिस्टम रन्स फ्रॉम लिथियम बैटरीज। द सोलर लाइट सिस्टम कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 1 kW टू 500 kW। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सिस्टम जो है किससे चलता है, तो लिथियम की बैटरी से चलता है। सोलर लाइट सिस्टम के जरिए आप कितने किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 1 kW से लेकर 500 kW तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और टोटल कॉस्ट ऑफ ₹22,500 द गवर्नमेंट इज नाउ प्रोवाइडिंग अ कमांडेबल सब्सिडी ऑफ ₹15,000। बिकॉज ऑफ दिस द कंज्यूमर विल नाउ हैव टू पे ₹7,500 फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी इसकी वजह से जो उपभोक्ता को 7,500 ही अपनी जेब से देना होगा। तो इस टाइप से आपने स्कीम्स करनी है। तो आपकी आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर बैंक लोन, तो हरियाणा गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ फ्लैगशिप डिजिटल प्रोग्राम कॉल्ड आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल। अंडर द स्कीम द सिटीजन्स ऑफ हरियाणा कैन अवेल ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस ऑन द पोर्टल। यानी हरियाणा सरकार ने जो है आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल नामक एक प्रमुख डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत जो है हरियाणा के नागरिक पोर्टल पर वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो इस स्कीम तो फीचर्स ऑफ डिफरेंट लोन इशू अंडर आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल, यानी DRI लोन योजना भी इसके अंदर आती है, जिसमें द एक्रोनिम फॉर DRI इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच द एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई टू कोलेट्रल लोन्स। यानी DRI जो है एक परिवर्णी शब्द अंतर ब्याज दर है जिसमें आवेदक जो है जमानत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। तो नेक्स्ट स्कीम आपकी शिशु लोन अंडर मुद्रा योजना। इसमें क्या है आपका, शिशु लोन इज फॉर द बिजनेसमैन हु वांट टू एक्सपेंड देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी शिशु ऋण उन व्यवसायों के लिए है जो अपना मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। द लोन एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा टू अवेल ऑफ द स्कीम। द लोन एप्लीकेंट्स कैन अवेल लोन अमाउंट अप टू ₹50,000 अंडर द शिशु लोन स्कीम। अब नेक्स्ट स्कीम आपकी पंजीकरण हरियाणा रोजगार मेला, यानी हरियाणा रोजगार मेला 2021 में क्या है, इस प्रोग्राम में जितने भी लोग भाग लेंगे यानी बेरोजगार युवाओं की जो क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, BA, BSc, BCom, MA, डिप्लोमा आदि इनकी जो है योग्यता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत जो है बेरोजगार युवाओं को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर निजी और प्राइवेट कंपनियों में जो जितने भी रिक्त स्थान है उन पे नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सी कंपनियां भाग लेंगी। इस हरियाणा रोजगार मेला 2021 में जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कंपनी का चयन जो है वो ले सकेंगे या उन्हें यह अवसर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है वो है मेरा परिवार पहचान पत्र हरियाणा, यानी जो है PPP परिवार पहचान पत्र नाम से जाने वाली इस परिवार पहचान पत्र योजना का जो है हरियाणा में शुभारंभ
हुआ है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुचारू हो चुकी है। इस योजना को लॉन्च हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया है। तो इस तो द आधार कार्ड आइडेंटिफाइज अ पर्सन बट नाउ इट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द स्कीम टू प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड्स टू ऑल द फैमिलीज ऑफ हरियाणा। थ्रू दिस आइडेंटिटी कार्ड विल बी एबल टू कलेक्ट द डाटा ऑफ द होल फैमिली। तो 54 लाख हाउसहोल्ड्स हैव बीन कवर्ड अंडर द स्कीम। यानी आधार कार्ड तो एक व्यक्ति की सिर्फ पहचान बताता है, लेकिन अब इस योजना की जो अहम भूमिका क्या है कि हरियाणा के सभी परिवारों की पहचान जो है पत्र वो उनको मुहैया कराएगा। तो इस पहचान पत्र के जरिए आप पूरे परिवार का डाटा इकट्ठा कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो है 54 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। द बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन एंड ऑल टाइप ऑफ अदर पेंशन इन हरियाणा कैन बी अवेल्ड ओनली थ्रू फैमिली आइडेंटिटी कार्ड। यानी सिर्फ परिवार पहचान पत्र द्वारा ही ये सब किया जा सकेगा। योजना हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना। इस योजना में जो है द यूथ जॉब इंसेंटिव स्कीम अंडर द लीडरशिप ऑफ हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैज बीन लॉन्च इन 2021। द स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। सो मनोहर लाल जी एम्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट्स। यानी जो है मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है 2021 में की गई है, और इसका जो उद्देश्य क्या है, प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो नेक्स्ट स्कीम है आपकी, नेक्स्ट योजना है पौधागिरी ग्रीन हरियाणा योजना। तो इसमें क्या है आपका, द चीफ मिनिस्टर्स एम इज टू कवर 22 लाख चिल्ड्रन एंड गेट प्लांटेशन। तो ईच चाइल्ड वॉज सजेस्टेड टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन प्लांट। इन दिस कैंपेन चिल्ड्रन कैन गेट एन इंसेंटिव ऑफ ₹50 बाय देयर प्लांट्स। तो द कैंपेन विल कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास आपकी 6ठी से 12वीं तक की क्लास के जो है छात्र शामिल किए जाएंगे। अब नेक्स्ट योजना है आपकी हरियाणा पशु क्रेडिट कार्ड लोन योजना। यानी ऑल बेनिफिशरीज कैटल फार्मर ऑफ हरियाणा विल बी गिवन फ्री लोन अप टू 1,60,000। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जेपी दलाल, लोन विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स। यानी जो हरियाणा के पशुपालक हैं उन्हें 1,60,000 रुपए तक का जो ऋण है वो मुफ्त दिया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है आपके, जेपी दलाल के अनुसार जो है पशुओं की संख्या के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के जो है 3 लाख तक का ऋण इसमें इस योजना के तहत दिया जा सकता है, और जो है 1,60,000 तक का ऋण जो है बिना किसी ब्याज दर के प्रदान किया जाएगा। उससे ज्यादा के लिए आपका इंटरेस्ट लगेगा। और नेक्स्ट है आपकी अपना खाता जामाबंदी नकल खसरा नंबर। तो पीपल कैन एंटर देयर अकाउंट नंबर एंड व्यू ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड इन देयर अकाउंट वेबसाइट। ऑल द वर्क of the land is done online. People in Haryana can see their deposits in their account, copying measles numbers online. तो अपना खाता वेबसाइट में जो लोग अपना खाता नंबर डालकर भूमि का सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, और जामाबंदी नकल खसरा नंबर सब कुछ आप ऑनलाइन इसमें इस योजना के तहत देख सकते हैं। और इसे ही आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। आपको पता तो चली गया कि किस टाइप से आपने स्कीम्स तैयार करनी है। मेन आपने कंसेप्ट उठानी है स्कीम से। तो ये स्कीम्स जो है वो हरियाणा बैटरी चलित यानी चलने वाले स्प्रे पंप सब्सिडी योजना है जो कि 2021 की है। तो हरियाणा महिला समृद्धि योजना वो भी 2021 की है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जिसमें आपको विवाह के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विकलांग पेंशन योजना 2021 जिसमें 1,800 रुपए मासिक पेंशन का प्लान है। अंतर जातीय विवाह योजना जिसमें 2.5 लाख रुपए का प्लान है आपका। किसान मित्र योजना 2021 जिनके पास 2 एकड़ या इससे कम भूमि कृषि लायक है उसके लिए ये योजना है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना जिसमें सिंचाई और बुआई में पानी का इस्तेमाल कम से कम हो इस योजना के अंडर आएंगे। तो ऑटेंट लेक्स देख लेते हैं, हरियाणा की प्रमुख झीलें। तो कई झीलें जैसे प्राकृतिक हैं और कई जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। यानी बड़खल झील हो गई, दमदमा झील हो गई, सोहना झील हो गई, जो दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। गुरुग्राम में स्थित प्रमुख झीलें कौन सी हैं, दमदमा झील है, यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत झील है। झील के बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसॉर्ट है। सुल्तानपुर झील, इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस झील पर प्रति वर्ष 100 से ज्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। हियर द बर्ड कॉल्ड बारहेड़ी गुंजे,
कम्स फ्रॉम लद्दाख एंड साइबेरिया से, तो विच इज द हाइएस्ट फ्लाइंग, जो सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं वो पक्षी यहाँ पे आता है। और उसके बाद आती है आपकी बसई झील, यह मूल रूप से आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है, इसे बसई आर्द्र भूमि यानी बसई वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह गुरुग्राम में स्थित है और कृष्णावती पुरुषोत्ती नदी यहाँ आकर मिलती है। इसके बाद है खलीलपुर झील, यह झील पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। खलीलपुर झील ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है। फिर इसके बाद है भीमकुंड झील, पिछोखेड़ा जोहड़ गुरुग्राम में है, जिसे भीमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। घाटा झील, झील जो है गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। उसके बाद जो है वो फरीदाबाद की प्रमुख झीलें कर रहे हैं हम यहाँ। सबसे पहले बड़खल झील है, हरियाणा की प्रमुख झील बड़खल झील है, यह एक मानव निर्मित झील है। बड़खल झील जो है बड़खल गांव में स्थित है। इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया है। बड़खल का हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। उसके बाद हम बात करते हैं धोज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील, ये सब फरीदाबाद में है। और जो है सूरज कुंड जो है वो सूर्य की झील, इसका मीनिंग है। यह 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है और अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी सूरज कुंड का जो निर्माण है वो तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा किया गया था और अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था। तो सूरज कुंड में हर साल सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यानी सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर भी आयोजित किया जाता है। तो सूरज कुंड के पास स्थित भट्टी वन्य जीव अभ्यारण भी है। उसके बाद हम बात करते हैं नूह जिले में स्थित प्रमुख झीलों की। उसमें सबसे पहले नाम आता है कोटला झील, यह झील नूह जिले के कोटला गांव में स्थित है। कोटला झील मेवा क्षेत्र के जीवन की यानी लाइफलाइन है। गांव कोटला एक छोटी सी घाटी में स्थित है जो पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा है। इसके पास कोटला झील है। 1838 में इस झील के पानी को संगेल उर्फ उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था, जिसको बाद में उजीना नामक स्थान तक बढ़ाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं करनाल जिले में स्थित झीलों की। यानी सबसे पहले करण झील आती है। करनाल जिले के उचाना गांव में स्थित कर्ण झील, जिसका नाम सूर्यपुत्र अथवा सूतपुत्र कर्ण के नाम पर पड़ा है। कर्ण झील को करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण झील का निर्माण जो है 1972 में हुआ। इस झील को कर्ण के नाम पर करण ताल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम आते हैं कुरुक्षेत्र जिले में स्थित झील, तो सनहित सरोवर। सनहित सरोवर जो है कुरुक्षेत्र भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। सनहित सरोवर पेहवा रोड पर कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सनहित सरोवर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पैनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास में स्थित है। यानी महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? सनहित सरोवर का। गुरुद्वारा छठी पातशाही के समीप है यह। सनहित सरोवर के समीप एक दुखभंजनेश्वर मंदिर है, एक नारायण मंदिर है तथा एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर दक्षिण भारत की कला का वैभव इसमें देखने को मिलता है। किसमें? लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की। ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में और वामन पुराण में। तो पहली बार जो है कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे यानी राजा कुरु ने इसकी खुदाई करवाई थी। और जो सौर ग्रहण के दौरान जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबारक जो है कौन, अबुल फजल ने अपने जो है इस सरोवर का जो विशाल जल निकाय को क्या कहा है? लघु सागर के रूप में वर्णित किया है। किसने? अबुल फजल ने। नवंबर दिसंबर में जो है ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह भी आयोजित किया जाता है। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा स्वर्णनाथ द्वारा कराया गया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में पुरुषोत्तमपुरा बाग है, जहां पर एक आरती स्थल है, एक विशालकाय रथ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। पुरुषोत्तमपुरा बाग में कात्यानी देवी मंदिर है तथा प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप है और प्राचीन सिद्ध श्री पूर्व मुखी हनुमान मंदिर भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं रोहतक में स्थित झील की यानी तिलियार झील की। तिलियार झील रोहतक जिला हरियाणा राज्य में 2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मार्ग पर स्थित है, जो 132 एकड़ में स्थित है। तिलियार झील के बगल में ही रोहतक चिड़ियाघर भी स्थित है। आज पलवल जिले की स्थित झील के बारे में बात करते हैं। यह डबचिक झील हरियाणा पर्यटन स्थल के अधीन डबचिक पर्यटन स्थल वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। इस पर्यटन स्थल की आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती यानी बीएन चक्रवर्ती ने रखी थी। लवल में स्थित डबचिक झील 22 एकड़ में विस्तृत है। डबचिक झील पलवल के होटल में स्थित है, जो कि 1985-86 में सूख गई थी।
इसके बाद आते हैं हम पंचकुला में स्थित झील, कौन सी है आपकी, टिकर ताल। पंचकुला में स्थित टिकर ताल झील जो है मोरनी हिल्स में स्थित है। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम करोह, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर है। तो टिकर ताल के पास में ही एडवेंचर स्पॉट स्थित है। इसके बाद हिसार में स्थित झील के बारे में हम बात करते हैं, यह है ब्लूबर्ड। हिसार में स्थित ब्लूबर्ड झील आसपास के वेटलैंड और पार्क 52 एकड़ में फैले हुए हैं इसके, और शतवर वाटिका हर्बल पार्क और गांव धनुषा जो है हिसार में, हिरन पार्क इस झील के पास है। उसके बाद हम बात करते हैं फतेहबाद में स्थित झील की, चिली झील। फतेहबाद में स्थित चिली झील में ही स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है। मैं आपको मेन आपको इसके कंसेप्ट बता रही हूँ, जो कि आपने याद रखनी है टिप्स पे। यमुनानगर में स्थित झील की जोहड़ हथनी कुंड, यमुनानगर में स्थित जोहड़ हथनी कुंड का निर्माण जो है 1966 में प्रारंभ हुआ था तथा 1999 में यह बनकर तैयार हो गया था। इस कुंड की कुल लंबाई 360 मीटर है। अब जैसे झीलों के मेन पॉइंट मैंने बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा की झीलों पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो किस टाइप से आएंगे, यानी आपके एचसीएस एग्जाम में किस टाइप से झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, हथनी कुंड कहाँ पे है, ताजेवाला बांध पर। बड़खल झील किन पहाड़ियों से गिरी है, अरावली की पहाड़ियों से। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदम झील, और दमदमा झील भी बोल देते हैं इसको। फिर आपका जैसे हरियाणा में डोहला झील कहाँ है, तो गुरुग्राम में। कोटला झील कहाँ है, कोटला जिला मेवात में। बड़खल झील कहाँ है, जिला फरीदाबाद में। धोज झील कहाँ है, जिला फरीदाबाद में। मयूर झील कहाँ है, जिला फरीदाबाद में। भिंडावास झील किस राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, तो हरियाणा की। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। सूरजकुंड झील की खुदाई कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए ग्यारहवीं शताब्दी में। हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें कौन सी है, ब्रह्म सरोवर झील, कर्ण झील, ब्लू बर्ड झील, सूरजकुंड झील। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन एक ऑप्शन में तो हरियाणा की सही झीलें होंगी और बाकी ऑप्शनों में कहीं और की झीलों के नाम होंगे। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हरियाणा में कौन कौन सी झील है, आप इस क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए झीलें आपने जरूर करनी है, मस्ट है, क्वेश्चन जरूर आएगा एक तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म नदी का वर्णन जो है किसने अपनी किताब में किया, तो अल बरूनी ने किया था। ब्रह्म नदी का वर्णन अल बरूनी ने अपनी कौन सी किताब में किया था, तो उल हिंद में उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो आपका सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजपाल तोमर ने। मिलन स्थल किसे कहा जाता है, सन्निहित झील सरस्वती की सात नदियों को मिलन स्थल कहा जाता है। तो इस टाइप से झीलों पे क्वेश्चन बनेंगे। अब चेंजेस इन हरियाणा, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। जैसे नया जिला चरखी दादरी है, तो कौन सा जिला आपका, 22वां जिला है। चरखी दादरी जिले में केवल दो विधानसभा क्षेत्र एफ दो ही सब डिवीजन है, यानी दादरी और बाढ़डा होंगे। अभी पंचकुला में ही पंचकुला और कालका दो विधानसभा क्षेत्र है। रोहतक के बाद यह दूसरा बिना अंतर राज्य बॉर्डर वाला जिला होगा। भिवानी को तोड़कर बनाए गए दादरी जिला, जो मुख्यालय की दूरी है वो भिवानी से 30 किलोमीटर होगी। इसमें अब चार ब्लॉक हैं, दादरी, बोंद, झोजू और बाढ़डा होंगे। पहले दो ही, दादरी एक और दादरी दो ही ब्लॉक थे। नए जिले में फिलहाल 176 गांव शामिल करने का प्रस्ताव है। इनमें 59 गांव जो है दादरी के और 117 गांव बाढ़डा के होंगे। मैं फटाफट से पहले आपको डिटेल बता रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी कैसे बनेंगे। तो मंडल बनाए गए हैं करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में 10 नए उपमंडल हैं, यानी अंबाला कैंट, बाढ़डा, बड़खल, नारनौल, बादली, उचाना, घरोंडा, रादौर, पुनहाना, काला वली, और उसके बाद प्रदेश में उपमंडलों की संख्या कितनी होगी, 72। 10 नई तहसील है, अंबाला कैंट, बड़खल, बास, उचाना, अलेवा, लाडवा, रायपुर, रानी, मतलोडा, बादली और सिरसा जिले की कालावली। सब तहसीलें हैं, खिजराबाद जो यमुनानगर में है, पलावास जो रिवाड़ी में है, खेड़ी जलाब जो हिसार में है। 14 नए ब्लॉक हैं, बादली, उचाना, मूनक, कुंजपुरा, पीपली, पिनगवा, आपका डहीना, बड़ोली, पलवल, खिजराबाद, नागपुर, ढांड, तिगाव, इंद्री को नया ब्लॉक बनाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 126 से बढ़कर कितनी हो गई है, 140। आप एक नजर में सारे हरियाणा को देख लेते हैं। जिले कितने हैं, 22। मंडल कितने हैं, 6। उपमंडल 72, तहसील 93, उप तहसील 50, ब्लॉक 140, कस्बे 154, ग्राम पंचायत 6212, गांव आपके 6841, पंचायत समिति 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद 21, लोकसभा सदस्य आपके 10 है, विधानसभा सदस्य आपके 90+1 है, राज्यसभा सदस्य आपके 5 है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
आप जल्दी से ये देख लीजिए, हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल यानी डिवीजन बनाए गए हैं, तो करनाल और फरीदाबाद। अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं? 6 मंडल। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई है? 5। साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, पलवल, नूह। इसके बाद हम आते हैं हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 3, यानी एक पंचकुला में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, हांसी। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले शामिल थे? 7 जिले थे, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और कब बना? पलवल 13 अगस्त 2008 में बना था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? यह है महेंद्रगढ़ का नारनौल शहर में स्थित है। तो हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। तो अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे हरियाणा के, जो हमें लग रहा है कि जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा पे, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। हरियाणा में जो है शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इज द एवरेज टेम्परेचर इन हरियाणा इन द विंटर पूछा जा सकता है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द शिवालिक माउंटेन्स नॉट एक्सपेंडेड, यानी किस जिले में शिवालिक पहाड़ों का विस्तार नहीं है? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने, तो रोहतक में नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज हरियाणा, तो हरियाणा में किस तरह की जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, यानी सब ट्रॉपिकल एरिड कॉन्टिनेंट क्लाइमेट है यहाँ पे। व्हाट नेम वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हरियाणा फेमस, तो असहयोग आंदोलन जो है हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ये आपका गांधी की आंधी। व्हाट वॉज पिंजोर्स ओल्ड नेम, पिंजोर का पुराना नाम क्या था? पंचपुर। From which canal was the Jawaharlal Nehru Canal of Haryana been extracted, यानी हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? आपकी ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। Where is the male Narayan cave located, यानी नर नारायण गुफा कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। Which district is called Paris of Haryana, Paris of Haryana कौन से जिले को कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड द सिटी ऑफ मार्टर्स, यानी हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? आपका झज्जर। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा में जो है सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम शुरू की गई थी सबसे पहले। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज उद्योग नगरी, उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? आपका फरीदाबाद। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज व्यूअर सिटी, यानी बुनकर नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? वो आपका पानीपत। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? ये आपका कुश्ती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी लगेंगे आपको कई, लेकिन ये कई बार हम भूल जाते हैं और कंफ्यूज होके गलत कराते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने सब बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, ये सभी को पता होगा, राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। व्हाट इज द स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला? कल्पना चावला। हु वॉज द फर्स्ट हरियाणवी नॉवल राइटर कौन थे? हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार जो है राजा राम शास्त्री। विच वॉज द फर्स्ट हरियाणवी नॉवल कौन सा था आपका? ये था आपका झाड़ू फिरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार है? गुरुग्राम में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा में। व्हेन वॉज द वनस्पति वन योजना लागू की गई थी, इंट्रोड्यूस इन हरियाणा? 1 नवंबर 2003। नरवाना ब्रांच हैज वाटर कैपेसिटी, यानी नरवाना शाखा की जल क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसेक। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द पार्ट ऑफ हरियाणा इज इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स, यानी हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे ट्यूबवेल्स द्वारा सिंचाई की जाती है? 51.12%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हरियाणा गेट्स मोस्ट ऑफ द इरिगेशन फ्रॉम रेन, यानी हरियाणा की किस भाग की अधिकांश जो सिंचाई है वो वर्षा से की जाती है? वो है आपका उत्तरी पूर्वी भाग। द ब्रिटिश हैज ब्लॉकेड द सिटी ऑफ विच 4 and 7 posts ऑन अप्रैल 10, 1843, यानी अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के
चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी, यानी कैथल की। तो हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द मीटिंग हेल्ड एट रोहतक इन मार्च 1929 आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में रोहतक में जो सभा आयोजित की गई थी उसका मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सभी जानते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ आर्य समाज ऑन जाट्स, किन जिले में जाटों पर आर्य समाज का अधिक प्रभाव है? वो है आपका रोहतक में। और क्वेश्चन कर लेते हैं, हु एक्सप्रेस टाइटल ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह द किंग ऑफ कैथल इन 1843 AD, यानी 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? गुलाब सिंह ने। इन 1995 वेयर डिड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गो अगेंस्ट द मिसबिहेवियर, यानी वर्ष 1995 में कहां के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जल से जलूस हुए थे? सिरसा के। हाउ मच रेनफॉल इज देयर इन हिली एरिया इन द नॉर्थन रन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 270 मीटर्स। एग्रीकल्चर इन हरियाणा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो देयर आर टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स, क्या क्या? नेमली जो है खरीफ और एक रबी, यानी खरीफ और रबी के दो सीजन है जिसमें फसल बोई जाती है हरियाणा में। तो मेजर खरीफ क्रॉप्स जो है इंक्लूडेड, जो खरीफ क्रॉप है वो कौन कौन से हैं आपके? चावल, ज्वार, बाजरा, गोड़, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली और दलहन। फसलें इंक्लूड की जाती हैं आपकी गेहूं, जौ, चना, रैपीज, सरसों और दालें। और शॉर्ट पीरियड अवेलेबल बिटवीन मिड मे एंड जुलाई इज समटाइम्स यूज्ड फॉर रेजिंग अ थर्ड क्रॉप, पर्टिकुलरली इन द एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, यानी मध्य मई और जुलाई के बीच में उपलब्ध लघु अवधि का उपयोग कभी कभी तीसरी फसल जुटाने के लिए, यानी चावल बोया जाता है। केवल 60 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है चावल की, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। नॉर्थन पार्ट ऑफ द रीजन हैज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एरिया ड्यू टू एलुवियल सॉइल्स, गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, नेटवर्क ऑफ इरीगेशन, एग्जाम्पल ट्यूबवेल्स हो गया, कैनाल्स एंड नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो यानी जो जलोढ़ मिट्टी, भूजल की अच्छी गुणवत्ता, सिंचाई के नेटवर्क यानी नलकूपों, नहरों और प्राकृतिक जल निकासी के कारण जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र माना गया है हरियाणा में। उसके बाद साउथर्न पार्ट जो है इज अंडर रिलेटिवली लेस कल्टिवेटेड एरिया इन द खरीफ सीजन ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज, पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। यानी जो दक्षिण भाग है उसमें अपेक्षाकृत जो है कम खेती की जाती है क्योंकि बारिश की कमी हो गया, खराब सिंचाई सुविधाएं नहीं है उसमें, इसलिए। तो फेयर्स पे नजर डाल लेते हैं जल्दी से। सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर जो है फरीदाबाद में, और आपका यादवेंद्र गार्डन जो में आम मेला लगता है वो पिंजौर में, और उसके बाद आपका बैसाखी मेला पिंजौर गार्डन में, और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ होता है ये भी आपका पिंजौर में मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये आता है ये कि अशोका का जो टोपरा स्तंभ है वो कहाँ पे मिलता है? तो कई जगह पे आपका अंबाला लिखा है जो पुरानी बुक्स हैं, लेकिन अब जो है यमुनानगर भी मिलता है कुछ बुक्स में। तो लेकिन आपने इस क्वेश्चन पे कैसे है कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ऑप्शनों पे नजर डालनी है। अगर कहीं पे ऑप्शन में सिर्फ अंबाला है तो आपने अंबाला लिखना है, और यमुनानगर है तो आपने यमुनानगर लिखना है। अभी लेटेस्ट वैसे यमुनानगर है। कुरुक्षेत्रा वॉज जो है क्रिश्चंड आफ्टर द नेम ऑफ किंग कुरु, यानी कुरुक्षेत्र का जो नामकरण है राजा कुरु के नाम के बाद किया गया है। इस प्लेन सब डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, यानी हरियाणा मैदानी इलाकों को तीन भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी हरियाणा मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूछा जाएगा कि पूर्वी हरियाणा मैदान में ये चार जिले आते हैं, एक ऑप्शन में होगा। तो चार ऑप्शनों में केवल एक ही ऑप्शन सही होगा जिसमें आपके चार जिले हरियाणा के दिए होंगे, बाकियों में गलत होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हरियाणा मैदान में कौन से जिले आते हैं। तो वो हैं आपके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्रा, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद। कहाँ आते हैं? पूर्वी हरियाणा मैदान में। पश्चिमी हरियाणा मैदानी भागों में कौन से जिले आते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी। द साउथर्न हरियाणा प्लेन यानी दक्षिणी हरियाणा मैदानी भागों में कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़, रिवारी, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि शिवालिक हिल्स
आर द सोर्स ऑफ द रिवर्स लाइक सरस्वती, घग्गर, टांगरी एंड मारकंडा। यानी ये पूछा जाएगा कि शिवालिक हिल्स जो हैं किन नदियों का स्रोत है। तो आपको ऑप्शन में ये चार नदियां ढूंढनी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये चार नदियां होंगी, बाकी में गलत दिया होगा, तो आपको इन चारों नदियों को ढूंढ के उसको राइट करना होगा। अब आते हैं हम, एरिया अंडर द अरावली हिल्स इज अ ड्राई इरेगुलर हिली एरिया। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली हिल्स की पहाड़ियों के नीचे का क्षेत्र कैसा है, तो शुष्क अनियमित पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस टाइप से हमने आज हरियाणा पे काफी क्वेश्चन किए हैं, लगभग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम वो टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और बाकी ये है कि हमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper and NAIP Tahsildar. You can also crack STAT exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HBAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 860-7570-992, 9728-926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिल